देश के केंद्रीय पुल में गेहूं का स्टॉक 16 साल के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है इसकी वजह बीते दो वर्ष से गेहूं के उत्पादन में कमी आने के बीच सरकार द्वारा गेहूं के दाम काबू में रखने के लिए घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाना है भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार एक अप्रैल को केंद्रीय भंडार में पिछहत्तर लाख टन गेहूं का भंडार था जो पिछले साल की समान अवधि के तिरासी दशमलव पांच शून्य लाख टन से कम है और बीते एक दशक में एक अप्रैल को केंद्रीय भंडार में गेहूं का औसत भंडार एक लाख टन रहा है गेहूं के दाम काबू करने के लिए पिछले साल सरकार द्वारा रिकॉर्ड सौ लाख टन गेहूं बेचने के कारण इसके भंडार में कमी आई है गेहूं की आपूर्ति कमजोर होने के बाद भी भारत सरकार आयात को बढ़ावा देने के लिए आयात पर लागू चालीस फीसदी शुल्क हटाकर रूस जैसे देश से इसका आयात करने के विरोध में रही